जोहार, नमस्कार दोस्तों। मैं रेजिस ज्योति क्रिकेटर, झारखंड से हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं कोयनार का साग, जो झारखंड का प्रसिद्ध साग है, जिसे बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी, जो गांव घर में बनता है और पुराने जमाने के बूढ़ा बूढ़ी लोग बनाते थे कोयनार का साग, जिसे आप लोग कहते हैं कचनार का साग। ये बहुत ही फायदेमंद साग है। इसे उगाया नहीं जाता है, जैसे फुटकल का साग होता है उसी तरह ये पेड़ होता है और ये नेचुरल है। इसमें कोई दवा या कोई केमिकल प्रयोग नहीं होता है, इसलिए बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग जरूर खाइए और बनाइए। आजकल का साग सब्जी में क्या है क्या नहीं है, बहुत मैंने शरीर को दुष्प्रभाव हो रहा है, इसलिए प्राकृतिक वाला साग खाइए या कोई भी सब्जी खाइए प्राकृतिक वाला, जिसे आप लोग शहर के भाषा में ऑर्गेनिक कहते हैं वही है। आप लोग जरूर खाइए और बनाइए। और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। आप लोग आजकल मेरा वीडियो देखना कम कर दिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जरूर देखिए मेरा वीडियो को और फायदा उठाइए। सभी बहनों को, बच्चों को यही कह रही हूँ कि आप लोग जरूर देखिए। आज हम बनाएंगे झारखंड स्टाइल में कोयनार का साग, इसको कचनार का साग भी कहते हैं। एकदम पहले ज़माने में जिस तरह से बनता था उस तरह से हम बना के दिखाएंगे आप लोगों को। इसको अच्छी तरह से नाजुक हिस्सा को इस तरह से काट के निकालेंगे इस तरह से, और इस तरह से जो बूढ़ा हो गया है उसको हटा देंगे। अच्छी तरह से झाड़ उड़ के अच्छी तरह से धो के इसको कुकर में उबालेंगे, मीडियम आंच में 2 सीटी आने देंगे और 2 कप पानी डालेंगे। इस साग को पहले के दादी माँ लोग बोलते थे कि काटा नहीं जाता है, तो हम भी नहीं काटेंगे, ऐसा ही उबालेंगे। ये देखिए कोयनार साग को 2 सीटी आने तक उबाल लिए हैं। अब इसे तड़का लगाएंगे। कढ़ाई गरम हो गया है, आधा किलो कोयनार साग है, इसमें तेल डालेंगे। तेल अच्छा से डालेंगे। दो चम्मच आधा तेल डाल रहे हैं। इतना सा लहसुन छील के डाल देंगे। ये लहसुन इस साग में बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग जरूर डालिए, बहुत टेस्टी लगेगा। पहले की दादी लोग माँ लोग ऐसे ही बनाते थे। लहसुन को ब्राउन होने देंगे। पांच सूखा लाल मिर्च है, इसको डाल देंगे 2 टुकड़ा करके इस तरह से। सूखा मिर्चा भी आप डाल लिए, बहुत टेस्टी लगेगा इसमें। बड़ा साइज का 2 प्याज है, प्याज अच्छी तरह से डालना है, प्याज साग में बहुत अच्छा लगेगा, इसको भी डाल देंगे।
प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें मीडियम साइज का 3 टमाटर है, इसको डाल देंगे। टमाटर नहीं डालने से भी ये साग बहुत ही टेस्टी लगता है, फिर भी और अच्छा लगने के लिए लोग डालते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, उबालते समय नमक नहीं डाले थे। को डाल देंगे ताकि साग और टमाटर अच्छी तरह से रस बस जाए, अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा पानी रहता है, इसको हटा देंगे। ढक्कन ढक के पकाएंगे, चेक करेंगे। इस तरह का कर देने से सब अच्छी तरह से टूट जाएगा, गल जाएगा। इसका पानी सूखने तक पकाएंगे। अभी ये देखिए साग अच्छी तरह से पक गया है, पानी सूख गया है। इस तरह से चिड़चिड़ा के सुखा देना है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से झारखंड में खाया जाता है। ये देखिए मेरा लंच तैयार है, इस तरह से खाया जाता है। इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा। ऐसे खाएंगे, प्याज काटेंगे मुँह से, फिर मिर्चा खाएंगे, फिर साग को खाएंगे। इस तरह बहुत टेस्टी लगेगा, आप लोग खा के देखिए। इस पानी भात और साग को लू कभी नहीं लगेगा।